शादी को अभी महज 6 महीने ही गुजरे थे और दोनों नए जीवन की शुरुआत के नए नए सपने देख रहे थे। दोनों की पहली होली थी इसलिए दोनों पति पत्नी बेहद खुश थे, लेकिन उनकी इस खुशी को किसी की बुरी नज़र लग गई और एक सड़क हादसे में पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का है। यहाँ रविवार दोपहर को बाइक पर सवार होकर जा रहे पति पत्नी को एक तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक ने साइड मार दी, जिससे दंपत्ति ट्रक के नीचे आ गया। बताया जा रहा है कि ट्रक के साइड लगते ही दोनों नीचे सड़क पर गिरे और ट्रक का पहिया युवक की पत्नी के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल संभल जिले के गांव खैबोपुरा का रहने वाले विपिन की शादी 6 महीने पहले 20 साल की नीतू के साथ हुई थी। विपिन और उसकी पत्नी शादी से बेहद खुश थे। बताया जा रहा है कि विपिन नोएडा की एक कंपनी में जॉब करता है और होली का त्यौहार पत्नी के साथ मनाने के लिए वह अपने गाँव पहुंचा था, जहाँ उसने अपनी पत्नी के साथ जमकर होली खेली। बताया जा रहा है कि नीतू 2 महीने के गर्भ से थी। खुशी से परिवार के सभी लोग बेहद खुश थे। विपिन को सोमवार से अपनी जॉब पर लौटना था, इसलिए रविवार को वापस दोनों बाइक से नोएडा वापस लौट रहे थे। तभी बुलंदशहर जिले के सियान अड्डे के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को साइड मार दी, जिससे नीतू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विपिन गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल हुए विपिन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि विपिन बार बार अपनी पत्नी को याद कर रहा है। पत्नी के ऊपर से ट्रक का पहिया उतरने का मंजर अपनी आंखों से देखने के बाद भी उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। वह बार बार अपनी पत्नी को याद कर रहा है और उसका नाम पुकार रहा है कि शायद कहीं से उसे उसकी पत्नी की आवाज़ सुनाई आए कि वह जिंदा है।